हेलो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश सहित विश्व के अनेक भागों में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? अगर हम इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो मकर संक्रांति जो है ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि इस दिन भगवान सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। क्योंकि जो शनि देव है वो उनकी राशि मकर राशि है, इस प्रकार से सूर्य देव को मकर राशि में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि सूर्य देवता का जो नौवीं राशि है, जैसा कि कुल 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों में जो नौवीं राशि है वो धनु राशि है। तो नौवीं राशि से दसवीं राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है संक्रमण, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इस प्रकार से इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। एक और मान्यता के अनुसार जो मकर संक्रांति है इसमें जो भगवान सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है वो क्रमशः बड़ा होने लगता है और गर्म होने लगता है और धीरे धीरे जो रातें हैं वो छोटी और वो पहले के मुकाबले उनकी स्थिति बदल जाती है। तो ये है इसका धार्मिक महत्व। अगर वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ऐसा प्रत्येक वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जब 14 जनवरी के पहले की जो स्थिति होती है उस समय जो सूर्य होता है वो साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उसके पश्चात ये क्रमशः जब 14 जनवरी का तिथि आता है तो यह उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध से आगे बढ़ते हुए उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और उत्तरी गोलार्ध को इस प्रकार से सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है वेदों और पुराणों के अनुसार और दक्षिणी गोलार्ध को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के उपदेश में कि दक्षिणी गोलार्ध के समय जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तो उस अवधि में जो लोग भी वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें पुनः जन्म लेकर के धरती पर आना होता है और फिर से जीवन और मरण का चक्र या जीवन का जो सांसारिक कष्ट है वो भोगना पड़ता है। और उत्तरायण की स्थिति में जब जो लोग देह त्याग करते हैं तो प्रायः उन्हें सदगति प्राप्त होती है। तो ये है पुराणों और वैज्ञानिक तथ्यों की बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये सूचनाएँ पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। जय हिंद, धन्यवाद।